गुरु जी को सशत नमन। जयपुर से आशा जी, जी 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 जी। और डीएनए में मैं अकेली हूँ। हाँ। और आप किसी चरणों में 4 साल से हूँ। हाँ। और गुरु जी आपसे बस एक प्रार्थना है, एक पहले सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि जो चीज़ मांगी थी उस तरीके से नहीं हुआ, लेकिन आपने मुझे 2 BHK फ्लैट में ही बिठा दिया। मैंने तो एक कमरा मांगा था केवल। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बाबा आपको सुनते हैं ना, बहुत सुनते। कभी सोचा भी नहीं था गुरु जी मैंने। हाँ। और इतना वंडरफुल काम हुआ है कि पूरा खानदान अचंभित है। हाँ। बाबा आपको सुनते हैं, बहुत सुनते हैं। आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था, आपका विश्वास बहुत तगड़ा है, बहुत जबरदस्त है। एक थोड़ी सी रुकावट उसमें आ रही है, वो भी चली गई। वो अभी मुझे चाबी नहीं मिली है, फ्लैट में तो रख दिया है भी किसी के में, लेकिन चाबी नहीं मिली है मुझे। कोई बात नहीं, इशू नहीं किया है मुझे। कोई बात नहीं, वो ही मिल जाएगी। तो उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। कोई डाउट नहीं, आंखें बंद करो। ओम और आकर्षण बढ़ा दिया जाए इनके दरबार का, आकर्षण और भर दिया जाए इनके अंदर, ताकि इनका कार्य शीघ्र अतिशीघ्र संपन्न हो सके। बैलेंस। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी रोग और कष्ट नष्ट कर दिए जाएं। ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, अपना बंधन कीजिए 3 बार, ओम नमः शिवाय बोलिए। एक गुरु जी आपने एक संदेश हमेशा देते हैं कि परिवार से बड़ा कोई नहीं होता। परिवार को जोड़ने के लिए मैं यहाँ दौड़ रही हूँ। मुझे तो आपने श्री चरणों में जगह दी है। मेरे बच्चों को बुलाने के लिए मैं पिछली बार भी बोल के गई थी, तब तक मैं माँ बनकर आ रही थी। पर गुरुजी आज मैं माँ बनकर नहीं आई हूँ। मैंने सोचा बच्चे आनाकानी कर रहे हैं, सबसे बड़ी जो है आनाकानी बहुत कर रही है, पूरे खानदान को रोक लिया, सब बीमारों को रोक लिया, ये सबसे बड़ा पाप हुआ है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि जो उनका वन डे मैंने जो उनके हवन के लिए सहायता दी थी उसका पुण्य, और मैं अपने पोते को लेकर के आई थी चुपचाप यहाँ से जाने के, वो संकल्प भी नहीं ले पाया, फ़ोन से उसको वापस बुला लिया और उसको इतना मारा इतना मारा इतना मारा, उसका पेशाब निकल गया जवान लड़के का। इसलिए मैं निवेदन करती हूँ तब तक सारे पुण्य दरबार में जमा कर लिए जाए। मैं थक चुकी हूँ बाबा जी। ओम। जो एक दिवसीय हवन की पुण्य की ऊर्जा है वो इन्हीं में समाहित कर दिया, लेके खींच के वापस मेरे पोते को सुरक्षित कर दीजिए। ओम। पोते को सुरक्षित आवरण दिया जाए दरबार, और एक दिवसीय हवन के सारे पुण्य जो इन्होंने हवन कराए थे उसके लिए, उन लोगों के लिए, वो सब वापस खींच लिए जाए। ओम शिव। शुद्ध करके पूरी तरह इन्हीं में समाहित कर दिए जाए, शरीर की क्षमता बढ़ा दी जाए, शरीर की क्षमता बढ़ा दी जाए और सोच बड़ा कर दी जाए, और बढ़ा दिया क्षमता शरीर, इन्हीं में समाहित कर दिया है, मस्तक पर स्थिर करके रखे जाए, सामने वाले को इनकी ऊर्जा का पता ना लगे, आवरण लगा दिया जाए और आकर्षण बढ़ा के रखा जाए। बैलेंस। ओम। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। 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 आँख खोल लीजिए, अपना बंधन कीजिए 5 बार, ओम नमः शिवाय बोल के। गुरुदेव 38-40 साल हो गए हारमोनियम सीखने के लिए। हाँ। मैं जब भी उठाती हूँ तब भी मेमोरी इतनी खाली हो चुकी है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अब करिएगा। हारमोनियम तबला मेरा ऐसे ही रखा हुआ सरस्वती। अब करिएगा, हो जाएगा ठीक है। और एक निवेदन और है कि सबसे बड़ी वाली जो परम प्रिय बहू रानी है, आप छोड़ दीजिए उनको, उनको थोड़ा आप संभाल लीजिए, आप उनको छोड़ दीजिए, खुश रहिए। धन्यवाद गुरु जी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। खूब खुश हो, कुछ कहना है गुरु जी? प्रणाम। अच्छा, आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो। ओम। दशांश की ऊर्जा जो इन्होंने अपने दशांश का हवन करके उत्पन्न की, उनके मस्तक पे आज्ञा चक्र पर स्थिर कर दिया जाए, सबसे आगे सक्रिय कर दिया। शिव। बैलेंस।
बैलेंस, पांच बार बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लीजिए, बंधन कीजिए पांच बार।